जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शरीर की ये जलाधारी होती है उसमें से पानी जहाँ नीचे गिरता है जितनी मोटी हो उसको कहीं कर दी आपको लगा। उस स्थान पर आप कहीं पर भी वृद्धि हो कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है बस उस स्थान पर एक ऋतु है। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शुमा पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि काल कर्म दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, काल कर्म दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप दोष समाप्त होता चला जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं उसमें एक मूल तक का भाव प्रकट कर रहे हैं। तेरी दिल से उसको रिझाने का प्रयास करो।